बेहतर है अंधेरे से एक नए पथ का निर्माण करना है उजाले से। दीक्षा कार्यक्रम के इस अंक में सभी गुरुजनों, शिक्षकों तथा सभी दर्शकों का स्वागत है। हर बार जब भी हम आपके समक्ष आते हैं, आपसे कुछ विचार बांटते हैं। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये वो देश है जहां नारी को पूजनीय माना गया है, देवी कहा गया है उसे। परंतु वास्तव में उसकी स्थिति क्या है? हम सभी जिन्होंने शिक्षा जैसा श्रेष्ठ व्यवसाय चुना है, उनके कंधों पर बच्चों के भविष्य के पूर्ण विकास की जिम्मेदारी है और उससे भी ज्यादा बालिकाओं के विकास का उत्तरदायित्व उन पर है। कहीं किसी भूल या नासमझी से वे पिछड़ ना जाएं, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आइए देखें कार्यक्रम, ये बच्चा किसका है। हमारे देश की कुल जनसंख्या में 40% बच्चों का हिस्सा है। बच्चे यानी 14 साल तक की उम्र वाला भरा पूरा वर्ग, इसमें 1/4 लड़कियां हैं। यही 1/4 भाग तिरस्कृत और उपेक्षित है। विश्व के विशालतम गणतंत्र भारत में, जहां संविधान सभी को समान अधिकार और सुविधाएं देता है, वहीं कन्या शिशु सबसे अधिक उपेक्षित है। कौन है इसका जिम्मेदार? शासन, समाज, कानून, व्यवस्था या स्वयं हम? कन्या शिशु के प्रति लापरवाही और उपेक्षा के कारणों पर विचार हो, दया, करुणा और सहानुभूति के स्थान पर उन्हें सम्मान, स्वाभिमान और समान अधिकार देने की पहल की जाए। उन्हें सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण और विकास के अवसर दिए जाएं। कन्या शिशु के जन्मते ही उसकी हत्या कर देने से लेकर गर्भ में ही जांच के बाद भ्रूण हत्या करने की व्यवस्था आदिम और आधुनिकतम समाज में एक सी है। ये बड़ी खेद की बात है कि आज के युग में भी कन्याओं की उपेक्षा की जाती है। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि अभी तक तो ये था कि कन्या की जो समस्या थी वो जन्म के पश्चात ही शुरू होती थी, परंतु कुछ विज्ञान की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं कि जिनके कारण कन्याओं का जन्म के पहले से ही एक उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। ये तो पूर्णतया ही सामाजिक समस्या है, इसलिए नहीं केवल कि लड़की का मामला है, लेकिन हमारे समाज में और सभ्यता में ये रहा है पहले कि
इस तरीके का कोई काम करना, या हमारे गांव में ये सुन लिया जाए कि कोई महिला लेडी डॉक्टर के यहाँ गई और अपना बच्चा नहीं चाहती, चाहे वो लड़का हो या लड़का, ये तो गांव में पता नहीं लग सकता है, तो इसका गांव में बड़ा विरोध होता है, इसका समाज में बड़ा विरोध होता है, उसको बड़ी समाज बहुत गिरी हुई नज़र से देखता है कि जैसे जैसे, और शब्द इस्तेमाल करती हैं गाँव की महिलाएँ कि इन्होंने पाप किया। राजस्थान में आप सभी जानते हैं कि वहाँ इन्फेंटिसाइड कितना अधिक है। आज भी देहातों में कन्या पैदा होते ही कन्याओं को मार डाला जाता है। जो मारने का प्रश्न है वो भी, उससे भी बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं, केवल ये नहीं कि कन्या पैदा होगी, क्यों, उस कारण को हटाना है कि कन्या को क्यों मारा। कन्या को इसलिए मारा कि हिंदुस्तान में दहेज देना पड़ता है, चौथी कन्या पैदा हो गई सोचते हैं तीसरे तक तो देते, शायद चौथी को हम नहीं शादी कर पाएंगे तो वो चौथी को मार देते हैं, तीन को नहीं मारते। कुछ लोग पहली ही को मार देते हैं सोच के, कुछ लोग ये सोचते हैं हिंदुस्तान समाज में कि कन्या जिसके होती है उसको बहुत झुक के दूसरों के जिस पक्ष में जो होता है वर के पक्ष के सामने चलना पड़ता है, तो उसमें इन सब जो उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा, तो इस समस्या पर भी प्रभाव पड़ेगा और ये दूर होगा। कन्या शिशु की उपेक्षा मूलतः सामाजिक समस्या है, लेकिन पिछले कई वर्षों से लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों से कहीं अधिक रहा है। इसके बावजूद लड़कियों को कम अवसर और अधिकार क्यों दिए जाते हैं? लड़का और लड़की, ये डिफरेंस जो है, ये जो भेदभाव दिया गया है, ये औरत के पैदा होने के समय से, वो बचपन से देखते देखते उनके एक रग रग में ये ऐसे मिल जाता है। ये प्रकृति की बात है कि लड़का और लड़की ईश्वर ने बनाया है, दिमाग बराबर है। वैज्ञानिक ढंग से अगर देखा जाए तो कोई नहीं कह सकता है कि लड़की के दिमाग कम है या लड़के के ज़्यादा है, जो प्रकृति ने बनाया है वो बराबर का है। घर में लड़कों को ज़्यादा हमेशा ही केयर दिया जाता है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की तरफ नज़र माँ बाप बाबा दादा नानी दादी सभी लोग देते हैं। आज भी यही स्थिति है कि महिलाएं, ये बात सही है कि आप बच्चों से आगे, आदमियों से आगे हो सकती हैं, पढ़ सकती हैं। कन्या शिशु के प्रति भेदभाव को यह कहकर नहीं झुटलाया जा सकता। कि भारत में नारी की पूजा की जाती है, या इसी देश में नारी ने प्रधानमंत्री तक का पद प्राप्त करके अपना गौरव बढ़ाया है, क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि हमारे देश में प्रति 1000 लड़कियों में से केवल 15 ही स्कूली शिक्षा प्राप्त करती हैं? अपनी शिक्षा, भविष्य, कैरियर और विवाह तक के बारे में वह दूसरों के निर्णय के अधीन रहती हैं। अशिक्षा, शोषण और पराधीनता का यह संस्कार लड़कियों के लिए अनिवार्य क्यों है? नारी को श्रम शक्ति के रूप में भी महिमा मंडित किया गया है, लेकिन इस श्रम का मूल्य क्या है? देश के कई कारखानों में हजारों बाल श्रमिक काम करते हैं, इनमें 90% लड़कियां हैं जो ज्यादातर निरक्षर हैं, और यही निरक्षरता का अभिशाप है कि इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। बीड़ी, अगरबत्ती, चिकन आदि के कामों में यह लड़कियां परिवार के अन्य सदस्यों का हाथ बटाती हैं। इनके हित में बनाए गए कानून कोई सुधार नहीं ला सके हैं। यदि कुछ सुधार हुआ भी तो केवल संगठित क्षेत्रों में। निरक्षरों का भला कैसा संगठन? यही कारण है बाल श्रम के क्षेत्र में 80% से ज्यादा लड़कियां हैं। अपने प्रति अन्याय से बेखबर लड़कियां। और फिर ये भी सोचने की बात है कि बच्चों की मृत्यु दर में अधिक प्रतिशत लड़कियों का क्यों है? वो लड़की है, अरे वो कुछ भी कर दो, वो मरेगी तो है नहीं, पत्थर पे पटक दो कुछ भी नहीं होगा। ये एक व्यवहारिक चीज है जो भी हर घर में होता है। लड़कियों की कुछ भी बीमारी के लिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो आमतौर पे हमारे समाज में बहुत दिनों से चलता चला आ रहा। एक और जहाँ बालकों को अच्छा पौष्टिक आहार देते हैं, दूसरी ओर बालिकाओं के भोजन की ओर
बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ भी महिलाओं को और कन्याओं को वो स्तर न देना, समाज में बराबर का स्तर न देना, ये पूर्णतः सामाजिक समस्या है और इसको समाज ही सुधार सकता है, क्योंकि समाज की लड़की है, समाज की सब लड़कियां हैं, कई समाज की तमाम लड़कियां हैं। जिस भारत की आत्मा गाँव में बसती है, उन्हीं गाँव में कुपोषित, अशिक्षित और परिवार पर भार समझी जाने वाली लड़की से मुक्त होने का अर्थ है जैसे तैसे उसका विवाह कर देना। अकेले राजस्थान में 10 से 14 साल तक की 45% लड़कियों को बाल विवाह की कुरीति का सामना करना पड़ता है। यह रिवाज उत्तर भारत के लगभग सभी गांव में है। समाज स्वीकृत इस समस्या का सबसे विकराल रूप है बाल विधवा। कम उम्र में शादी का मतलब है कच्ची उम्र में मां बन जाना। यही कारण है कि इन बच्चियों की मृत्यु या तो प्रसव के दौरान हो जाती है या वे जीवन भर विभिन्न रोगों का शिकार रहती हैं। कन्या शिशु का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यौन शोषण। विडंबना तो यही है कि हमारी कुछ धार्मिक व सामाजिक परंपराओं ने इसे स्वीकृति प्रदान की है। ऐसा करते हुए यही समाज संरक्षण, मर्यादा, नैतिकता की धज्जियां उड़ा कर रख देता है। आज पालिका वर्ष में भी यही समाज कन्या शिशु के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बच्चियों का यह निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है जिसका प्रतिनिधित्व कोई नहीं करता। कन्या शिशु से संबंधित समस्याओं की लंबी सूची में से काफी सूत्र घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इस कड़वे सच का सामना करने के लिए समस्याओं के आंकड़े गिनना काफी नहीं होगा। लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर कुछ कल्याण कार्यक्रमों, संस्थाओं, संगठनों की स्थापना से क्या हम अपने दायित्व से मुक्त हो सकते हैं? जो सामाजिक व्यवस्था संवेदना शून्य हो, क्या वो इस बच्ची को अपनाएगी जिसकी उपेक्षा का संस्कार उसने परंपरा से लिया है? प्रश्नों और समस्या के चक्रव्यूह में फंस कर न रह जाए ये बालिका। जिस समाज में कन्या के प्रति उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार को समाप्त करने के लिए न कोई ढांचा हो, न आत्मविश्वास, न रुचि हो और न कोई इच्छा, वहां कौन अपनाएगा घर की इस तथाकथित लक्ष्मी को? कौन होगा इस लावारिस बच्ची का संरक्षक? कौन देगा इसे अपनी ममता भरी गोद? कौन देगा इसे सम्मान, सुरक्षा, संरक्षण? कौन चुप करेगा इस रोते हुए सवाल को?